एक राक्षस जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। सरस्वती के लायक तो ये इंसान तो है नहीं, इसलिए कि दरिंदा सिफत है। जब उसकी शक्ल देखेंगे तो अगर बच्चा दिन के उजाले में भी देख ले तो बच्चा डर जाएगा। रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। ये हुकूमत को फिर से मैं जो है वॉर्न करना चाह रहा हूँ कि भैया इसको देख लो, इसको समझ जाओ। उसने सनातन धर्म के खिलाफ भी बात कर दी और बोला उसका जो पुतला को जो उनका दमन किया जाता, आग में जलाया जाता, उनके पुतला को नहीं दमन करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस सिलसिला, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरप्रस के डायरेक्टर सोशल एक्टिविस्ट जनाब अशरफ हैदर साहब। आज मुल्क के बहुत ही अहम मसले को लेकर के आपके सामने में रूबरू हुआ। मामला और मसला यह है कि एक शैतान सिफत इंसान दरिंदा हैवान और एक राक्षस जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। सरस्वती के लायक तो ये इंसान तो है नहीं, इसलिए कि दरिंदा सिफत है। जब उसकी शक्ल देखेंगे तो अगर बच्चा दिन के उजाले में भी देख ले तो बच्चा डर जाएगा, रात के अंधेरे में देख ले तो बच्चा तो वाकई में जिंदा बच्चा भी ऐसे हैबतनाक सूरत में आ जाएगा कि कहना मुश्किल है। मगर ये दरिंदा बहुत ही हैवान सिफत इंसान है। अब जान सकते हैं ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी नहीं किया है बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लोगों के शान में गुस्ताखी किया है। इसलिए कि हुजूर सर्वे कायनात के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। आज पूरी दुनिया के जी शऊर इंसान और ख़ासकर मुसलमान तो पूरे गम गुस्सा की हालत में है। उन्होंने 29 सितंबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर में हिंदी भवन में एक प्रोग्राम था और दशहरा को लेकर के उसमें हुजूर के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है वो बयान के काबिल नहीं है, ना काबिले बर्दाश्त है, ना काबिले बयान है। उसके बयान को हम आपको दिखा भी नहीं सकते, अगर दिखाएंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि हुजूर के मानने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, दुनिया के जितने बुद्धिजीवी दानिश्वर आए और गैर मजाहिब के जितने भी मजहबी रहनुमा गुरु आए सबों ने हुजूर की शान में कशीदे पढ़े, उनके शान की खूबियों बयान किए। इवन के हमारे गांधी जी ने भी किया है और बुना भावे ने भी किया है और गुरु नानक ने भी किया है, मतलब जितने भी ले लीजिए कम है, सबों ने बयान किया है। और दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने क्या बयान किया, उन्होंने बयान करते करते ऐसी बात कर दी कि उसने सनातन धर्म के खिलाफ भी बात कर दी। सनातन धर्म की क्या बात है उन्होंने कर दी, जो लाखों साल पहले जो रावण जी ने एक मामूली गलती की थी उन्होंने क्या कहा, रावण को मामूली गलती, और बोला उसका जो पुतला को जो उनका दमन किया जाता, आग में जलाया जाता, उनके पुतला को नहीं दमन करनी चाहिए। तो मतलब कि राम जी के शान में भी गुस्ताखी किया। ये इंसान जो नरसिंहानंद जो है ये सिर्फ इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, हिंदू मजहब और राम जी के भक्त का भी दुश्मन है। इन्होंने कहा कि रावण का पुतला को दहन नहीं करनी चाहिए, तो किसके पुतला को दहन, मतलब ये इंसान समझ लीजिए कि किसके इशारे पर चल रहा, ये शैतान है, राक्षस की औलाद है और ऐसे इंसान को जितनी भी सजा दी जाए कम है। आज पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ FIR दर्ज है, गुलबर्गा में भी प्रोटेस्ट में लोग बैठे हुए हैं, यूपी में भी है, गाजियाबाद के सोबो मोटो के तहत मतलब खुद नोटिस लेते हुए उसके ऊपर FIR किया गया। मौलाना मदनी ने होम मिनिस्टर को भी लेटर भेजा है और बोला क्या है कि उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आज 5 सितंबर को असदुद्दीन अवैसी साहब जो MIM के चीफ है उन्होंने चीफ कमिश्नर ऑफ हैदराबाद को समझिए कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया, कंप्लेंट किया है और कहा है कि इनके खिलाफ जितनी भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कम है। मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से, खासकर हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर है उनके तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि उपा के तहत इनके जो है इनके ऊपर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उपा के तहत इसके ऊपर केस दर्ज होनी चाहिए ताकि जेल के सलाखों के पीछे हो। मैं फिर बोलना चाहता हूँ हिंदुस्तान में कौन सा राज चल रहा, कभी महाराष्ट्र में गिरी महाराज हुजूर के शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कोई करता है, और यह शैतान सिफत गाजियाबाद के एक मंदिर में बैठ करके हुजूर के शान में गुस्ताखी किया। एक अहम नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ कि जब सलमान मौलाना सलमान अजहरी एक मामूली सी बात करते हैं आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा,
तो बस इतनी मामूली सी बात पर एटीएस जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है, जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। और जिसकी दुनिया में, सारी दुनिया में मानने वाले लोग हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी जो हम आपको बयान नहीं कर सकते, तो हुकूमत क्या सोई हुई है? क्या हुकूमत चाहती है इसके बयान से ऐसा होगा कि हिंदुस्तान का जो भाईचारे का माहौल है वो खराब होगा, कम्युनल वायलेंस होंगे, ये टेंशन पैदा होगा? तो हुकूमत को सोचनी चाहिए ये इंसान जो है किसके इशारे पर इस किस्म की बातें कर रहा है। और मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल रास्ते पर उतरिए, गांधी जी का संविधान है और हमारे देश का संविधान जो आईन ने हक दिया है एहतजाज करने का, रास्ते पर उतर करके बड़े पैमाने पर एहतजाज कीजिए। और जो जो लोग चाहे, जिस कमेटी के लोग हो, मौलाना हो, इमाम हो, मदरसे के आलिम दीन हो, एडवोकेट हो, नेता हो, मैं नेता से भी कहना चाहता हूँ, और जो गुलबर्गा में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो मैंने न्यूज में भी दिखलाया, वहां पर कांग्रेस के जितने लीडर थे सब लोग मिलकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, असदुद्दीन अवैसी खुद एमपी है, उन्होंने एफआईआर किया। तो बंगाल के जो लीडर है, जो मुस्लिम लीडरान है, जो मिनिस्टर्स है, एमएलए है, काउंसलर्स है, उनको भी पहली फुर्सत में चाहिए अपनी टीम को लेकर के कमिश्नर से मिल करके एफआईआर उनके ऊपर दर्ज करें और कौम के सामने बताए कि इस किस्म के इंसान को जो है जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, ता उम्र सारी जिंदगी के लिए जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर वाकई में चाहते ये देश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहे, भाईचारे का प्रतीक रहे, गांधी का देश रहे, मौलाना आजाद का देश रहे, सुभाष चंद्र बोस का रहे, भगत सिंह का रहे, शहीद अशफाकुल्ला खान का रहे, हसरत मोहानी का रहे, तो ऐसी सूरत में कब होगा? आप मुसलमानों की कुर्बानियों को आप जानते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी है? आप इंडिया गेट के, दिल्ली के इंडिया गेट में जाइए, तख्ते पर लिखा हुआ है मुसलमानों को कुर्बानियों का, आप क्या हमारे बात करेंगे? चांद पे थूकने से इंसान के मुंह पर थूक पड़ता है, ये इंसान की तो औकात ही नहीं है, ये हैसियत ही नहीं है कि हमारे नबी तक पहुंच जाए, इसलिए हमारे पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए कि रब हमारा फरमाता वरा फाना लका जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। जिस दुनिया का क्रिएचर है, इस दुनिया का पालनहार है, इस दुनिया का बनाने वाला है, उन्होंने बोला कि हमने आपको जिक्र बुला दिया। ये 2% के शैतान सिफत दरिंदा राक्षस और ये समझे रावण का नस्ल का इंसान, ये रावण का मानने वाला जति नरसिंहानंद, ये हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, ये सिर्फ झूठी पब्लिसिटी, झूठी शोहरत के लिए इन्होंने किया है। चलिए एक ही चीज हम डिमांड करते हैं, मुसलमान रास्ते पर उतर के कानून के दायरे में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे और एफआईआर ज्यादा से ज्यादा दर्ज करे। कलकत्ता बंगाल से फायर दर्ज नहीं हुआ और आने वाले जुमा में भी लोगों को प्रोटेस्ट करनी चाहिए, शांति के साथ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, जितने मिकदार में हो लाल बाजार में कमिश्नर के पास जाकर के इसका एफआईआर होनी चाहिए, जगह जगह हर थाने में एफआईआर हो जाए, जब एफआईआर ना हो तो कोर्ट में वकील को नियुक्त करके गिरफ्तारी का डिमांड करनी चाहिए। मैं एक ही चीज करता हूँ, कौम बेदार हो जाओ, गांधी जी के उसूलों पर रह करके प्रोटेस्ट करना है और जो हमें संविधान न्याय दे, इसके ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं, इसके ऊपर 302 के तहत केस दर्ज हुआ और उपा के तहत भी केस दर्ज होना चाहिए। चलिए अशरफ हैदर साहब सोशल एक्टिविस्ट है, हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा गंदा खेल हुआ है, ये हमारे ख्याल से लग रहा है इसके पीछे बड़ी साजिश है, ये दरिंदा सिफत इंसान इससे पहले भी बहुत बड़ा शान में गुस्ताखी कर चुका है, मगर हुकूमत क्या है कि लगता है कि हिंदू धर्म का गेरुआ कपड़ा पहन करके, गले में माला डालकर, चंदन टीका लगा करके ये सनातन धर्म को बोलता है बदनाम कर रहा, तो ऐसे लोग को क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं लगता कि हिंदू धर्म का भी ये जो है नुकसान पहुंचा रहा है, इस्लाम के खिलाफ तो बोल ही रहा है। ये जो यकीन नरसिंहानंद जो है जी, सबसे बड़ा बात है ये जो बोल रहा है, इसके पीछे आपको समझना होगा कि ये अपना जुबान इसका नहीं है, इसलिए देखिए आज कई लोग बोलते पे सिर्फ ले देकर के हमारे नबी के पीछे पड़े रहते हैं। आज एक चीज बताइए, अगर हम लोग हिंदू धर्म के किसी भी के जिस तरह का जो उनका प्रोफेट है इनके बारे में बोले तो हमको तुरंत पे तुरंत हमारे घरों में हमारे सब जगह बुलडोजर चला दिया जाएगा और अरेस्ट आ दिया और कॉमन राइट हो जाएगा, जिसकी मिसाल मौलाना सलमान अज़हरी, मतलब मौलाना सलमान अज़हरी को आपने देखा किस तरह से जो है एक वर्ड खाली बोल दिया था कि मेरा भी दौर आएगा, हम लोगों का दौर आएगा, तो बस इसमें आपने इतनी बड़ी उसको सजा दे दिया और आपने जो है कुछ टास्क फोर्स के जरिए उनको अरेस्ट कर लेते हैं, ये करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हुकूमत को ये वार्न देना चाह रहे हैं कि भैया अभी भी इसको अरेस्ट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैं इसलिए और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों जगह इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनको भी लेना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे बंगाल में भी हम लोग काफी तादाद में मुसलमान है, तमाम लीडरान को लेना चाहिए। देखिए अगर नहीं होगा, एक बर्दाश्त का एक लिमिट होता है, हर कोई का देखिए हम लोग हमारे नबी जो है हम लोग उनके लिए हर चीज अपना कुर्बान कर सकते हैं, अपने बाल बच्चा सबको कुर्बान कर सकते हैं हमारे नबी के लिए, इसलिए उन्हीं के जरिए आज हम लोग यहाँ पे हैं और उनको अगर इस तरह का बोला जाएगा हम लोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए किसी भी हद में भी जाना पड़ेगा जाएंगे, सब्र मत दो, इतना भी सब्र का पैमाना एक चीज का होता है, एक लिमिट होता है, नींबू को इतना मत जालो कि तीता हो जाए,
तो इसलिए मैं बहुत ही इस बात से मैं जाती तौर पे बहुत तकलीफ हुआ है। मैं उसका बयान को बता नहीं सकता हूँ किस तरह से उसने कहा हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी की है। देखिए मेरा खुसूसी तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि भैया ये चीज़ आप कम करो, इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट नहीं फांसी दो। देखिए आज दूसरे मुल्क में भी ऐसा होता है तो वहाँ पे आज पूरे इतने 52 मुस्लिम कंट्री है, दुनिया में 52 मुस्लिम कंट्री इस्लामी कंट्री है, कहीं पे भी किसी हिंदू धर्म के किसी भी उनके जो भी भगवान है या इनके बारे में कहीं कोई मुसलमान नहीं बोलता है। यहीं पे इतना क्यों बोला जाता है? ये आपने हुकूमत ने उसको छूट दे रखा है। ये हुकूमत को फिर से मैं जो है वॉर्न करना चाह रहा हूँ कि भैया इस चीज़ को देख लो, इसको समझ जाओ। देखिए हम लोग कोई यहाँ पे हम भी इंडियन है, भारतीय हिंदुस्तानी है, हम लोग हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते हैं। आज यहाँ पे इतना बड़ा दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है तो देखिएगा आप हिंदू मुसलमान सब इस त्यौहार को मनाते हैं, दिवाली आता हम लोग सब करते हैं। भैया लेकिन हमारे नबी ने क्या किया है? हमारे नबी को तो सब मानने वाले हैं, पूरे दुनिया में उनका इतना तादाद है कि कोई को हो ही नहीं सकता है उस पर। इस तरह से देखिए अब मुसलमान को, मुसलमान भी एक तरह से देखिए महमूदुल्लाह साहब को मुसलमान बड़े ही मतलब नम इसमें बताने चाह रहा हूँ, मुसलमान को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, बहुत हद तक करना चाहिए। मुसलमान पीसफुली तौर पर रहना चाहिए, गांधी जी के और अम्बेडकर के कुछ को मानते हुए करना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे यकीन मानिए इससे भी ज्यादा होगा, दिन पर दिन होगा, होते ही रहेगा। हमारे हुजूर के बारे में गुस्ताखी होगा, हमारे मस्जिद के बारे में होगा, हमारे देखिए ये बात बताइए ना कि आप हमारे इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जब सुनियो थोड़े दिन बाद किसी, इसका वजह है कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन देना चाहिए। और बहुत अफसोस की बात है जिस वक्त ये भाषण दे रहे थे मंदिर में बैठ करके वहां लोग ताली बजा रहे थे बाबा का, बोल रहे थे इसको वायरल भी किया जाए। अब आप बताइए इस तरह का मंदिर के अंदर इस तरह का बैठ करके होगा तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये फिरका वर्ष प्रसाद भी हो सकता है। गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए कि उसका तो कोई औकात ही नहीं है। ये जो बोला है हमारे नबी का भैया कोई भी बोल सकता है, उसका कोई औकात ही नहीं है। उसको जैसे महबूब ने उसका शक्ल देखिएगा तो शैतान मतलब शैतान की तरह शक्ल, उसको छोड़ दीजिए उसका कोई बात है, लेकिन उसका हिम्मत कहाँ से आ रहा था बोलने का, ये आपको समझना पड़ेगा। बेशक एक ही चीज कहना चाहते हैं एक शेर के अंदाज में, जान मांगोगे तो जान दे देंगे, माल मांगोगे तो माल दे देंगे, हमसे ये ना होगा हुजूर का जाहो जलाल देंगे। कहने का मतलब है हर दुनिया के हर मुसलमानों के दिल में हुजूर बैठते हैं और हुजूर सर्वे कायनात ने जिंदगी का तरीक़ेकार बताया। हुजूर सर्वे कायनात दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने ख़वातीन को अगर इज्जत दी है तो हमारे नबी पाक ने दिया है। आप क्या जानोगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या चीज़ कुर्बानियाँ हैं इंसानियत के लिए? मोहसिन इंसानियत है, यतीमों के मलजा है और गरीबों के मावा है, विवाहों के इज्जत और आबरू को बचाने वाले हैं, विवाहों को सम्मान देने वाले हैं। तो आपको समझने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से फिर एक ही बार गुजारिश कर रहा हूँ और अपने लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट उसको सुबो मोटो के तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुबो मोटो के तहत मतलब अस खुद नोटिस लेते हुए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और ऊपर के तहत इसके ऊपर केस दर्ज होनी चाहिए और जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे, ताकि दूसरे इंसान के लिए जो इस किस्म के किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने वाला हो, किसी भी मजहब चाहे हिंदू मजहब के खिलाफ बोलने वाला हो या ईसाई मजहब या सिख समाज किसी मजहब के पेशवा के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके आज खुद नोटिस लेते हुए उसके खिलाफ जो है केस दर्ज होनी चाहिए और सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तभी यह हमारा देश एक गुलदस्ता की तरह होगा, तभी हम बोल पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके गुलशस्ता हमारा। जब तक के अगर हरासा होता रहेगा और खासकर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती जिस तरह का बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि अमेरिकन इंटरनेशनल रिलीजियस फोरम का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह बताया गया है कि माइनॉरिटी पर जुल्म ज्यादती हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश की इज्जत आबरू कहां जा रहा है। आप हमारे मोदी जी का गल्फ कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, गल्फ कंट्री में जाएंगे तो क्या मुंह दिखलाएंगे? क्या हमारे नबी पाक उसका भी तो मजहब इस्लाम है, क्या बोलेंगे कि क्या आपके देश में हमारे नबी के खिलाफ बोला जा रहा है? तो समझने की जरूरत है, होम मिनिस्ट्री को खुद से संज्ञान लेकर के जेल के सलाखों के पीछे भेज देनी चाहिए और ये हिंदुस्तान के जिस कोने में भी और जिस बिल में भी छुपा बिल से निकाल करके पुलिस इसको अरेस्ट करे और जेल के सलाखों पीछे, और मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इस पर एफआईआर करे, प्रोटेस्ट करे पीसफुल्ली गांधी जी को सुले बैठ के, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर दूसरी रिपोर्ट लेकर के आएंगे। और एक ही डिमांड है, जेल के सलाखों पीछे एफआईआर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जीशान के साथ अशरफ हैदर के साथ। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now